हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग घर पे होंगे और घर से बिना मतलब के बाहर नहीं निकलते होंगे, क्योंकि अभी कोविड बहुत पीक पे है। और चलो, ये भी महीना अब ख़त्म हो गया, अब नया महीने का शुरुआत होगा फैब का। तो आई होप कि आप लोग के ज़िंदगी में भी और मेरे ज़िंदगी में भी कुछ बहुत सा बड़ा बदलाव हो इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो चलिए, आज का टॉपिक हम यहाँ से शुरू करते हैं कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर जी, एक चीज़ मेरे को बताइए कि टेस्टिंग में करियर शुरू करने के लिए कोडिंग का ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं। तो उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं स्पेशली। तो देखिए, टेस्टिंग में कई टाइप्स होते हैं, एक्चुअली दो टाइप होते हैं मेन। टेस्टिंग एक मैनुअल टेस्टिंग होता है, एक ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है। तो मैनुअल टेस्टिंग में आपको कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जब आप ऑटोमेशन की बात करोगे तो वहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज का ज़रूरत ज़रूर पड़ेगा। विदाउट कोडिंग नॉलेज, विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज, यू कांट फर्दर प्रोसीड योर ऑटोमेशन टेस्ट सूट। डैट्स अ क्लियर। तो ये हो गया कि आप कर सकते हैं, टेस्टिंग में आ सकते हैं बिना प्रोग्रामिंग नॉलेज के, लेकिन एज ए मैनुअल टेस्टर। और एज ए मैनुअल टेस्टर आपको हम एक ड्रॉबैक बता देते हैं कि आजकल सिंपली सिर्फ मैनुअल पे अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है। मार्केट में कम से कम 10 से 15% ही अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग पे है, एज ए फ्रेशर और एज एक्सपीरियंस। तो आपको मैनुअल टेस्टिंग के साथ साथ आपको ऑटोमेशन पूछता है। अगर आपको मैनुअल पे भी काम करवाएगा, फिर भी आपसे SQL का बेसिक नॉलेज और ये ऑटोमेशन का जो बेसिक है, जावा का बेसिक टॉपिक्स और बेसिक प्रोग्राम्स, ये सब ज़रूर पूछेंगे। तो हाँ, आप बिना कोडिंग नॉलेज के टेस्टर बन सकते हो, बट आपको उतना ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आपको करियर में उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देते हैं कि आप एक फ्रेशर हैं, मैनुअल टेस्टिंग आपने कहीं से कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है ऑनलाइन या कहीं किसी कोचिंग सेंटर में जाके। तो सपोज़ कि आपको किसी कंपनी में जॉब मिल गई, सो आप अगले महीने जा रहे हो ज्वाइन करने एज ए मैनुअल टेस्टर किसी कंपनी में। तो कोई भी आईटी कंपनी का एक स्पेसिफिक डोमेन होता है, जैसे बैंकिंग होता है, हेल्थ केयर होता है, मोबिलिटी हो गया। तो उस डोमेन में जब आप काम करोगे, मैनुअली टेस्ट करोगे एप्लीकेशन, तो आपको डोमेन नॉलेज के बारे में पता चलेगा कि हाँ, चलिए सपोज कि आपका जॉब फ्लिपकार्ट में लगा मैनुअल टेस्टर, तो आप वहाँ पे जाओगे तो आपको फ्लिपकार्ट का बहुत सारा एप्लीकेशन है, बट हम बात करते हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो आपको उस एप्लीकेशन के फ्लो के बारे में पता चलेगा, उसका फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता चलेगा आपको, उसका फंक्शनैलिटी के बारे में पता चलेगा, फिर आपको डोमेन के बारे में पता चलेगा, जैसे वो ई कॉमर्स डोमेन हो गया फ्लिपकार्ट। तो देखिए, तो आप 2 साल यहाँ काम किए, फिर आपको हाइक की वजह से या किसी वजह से आपका मन हुआ कि नहीं, हमको कंपनी चेंज करना है, बट आपने कुछ सीखा नहीं, अपार्ट फ्रॉम मैनुअल टेस्टिंग आपने कुछ सीखा नहीं, आपने कोई ऑटोमेशन टूल या कुछ भी सीखा नहीं है, तो आपको थोड़ा परेशानी होगी, क्योंकि एज ए मैनुअल टेस्टिंग मैं बोल चुका अपॉर्चुनिटी कम है। अगर मिल भी गया आपको किसी दूसरे कंपनी में, तो
फिर आप वहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। और सपोज कि यहाँ पे ई कॉमर्स डोमेन है, तो वहाँ पे कोई और डोमेन मिलेगा, मतलब हेल्थ केयर डोमेन मिल गया या सेम ई कॉमर्स मिल गया, तो आप ऐसे ऐसे कर करके आप कंपनी चेंज कर भी रहे हो, फिर भी आपको उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए कोडिंग बहुत ज़रूरी है, और एज ए टेस्टर, एज ए मैनुअल टेस्टर, और कोई भी हो, ऑटोमेशन और कोडिंग का नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है करियर को ग्रोथ करने के लिए। अरे यार फोन आ रहा, तो ऐसा है बात, तो आप आ सकते हो, लेकिन ग्रोथ नहीं होगा, सिर्फ मैनुअल पे काम करोगे तो हाँ, बाद में जाके आप एक बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, जो मैनुअल टेस्टिंग करके आपको प्रोडक्ट का नॉलेज हो जाएगा, डोमेन का नॉलेज हो जाएगा। सपोज आज फ्लिपकार्ट में ई कॉमर्स में कर रहे हो, कल हेल्थ केयर, कोई सरनर बहुत बड़ी बड़ी हेल्थ केयर कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आपको हेल्थ केयर एप्लीकेशन के बारे में पता चलेगा। फिर आप मोबिलिटी में जाओगे तो आपको मोबाइल डोमेन के बारे में पता चलेगा। फिर आप एक लेवल पे जाके आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो किसी एक डोमेन में जो आपको अच्छा लगे, जैसे ई कॉमर्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया और मोबाइल हो गया, तो वहाँ पे जाके बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट बन सकते हो, बिकॉज यू हैव अ फंक्शनल नॉलेज, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, जॉब चेंज करना मुश्किल रहेगा। और आपको अगर ऑटोमेशन का नॉलेज है, सिर्फ एक टूल जावा सेलेनियम का अगर नॉलेज है, 2022 है, तो आप यूं जॉब चेंज करोगे, यूं बता दे रहा हूँ आपको। आपके पास जब जॉब सर्च करने जाओगे तो आपको आपके पास 5-5, 7-7 ऑफर लेटर रहेगा एज ऑटोमेशन टेस्टर। कोई भी टूल ले लो, मैं तो सजेस्ट करूँगा जावा सेलेनियम, क्योंकि मैंने खुद ही, मेरी चौथी कंपनी है 4 साल में, तो ऐसा नहीं मैंने चेंज करा है, तो यही है जो रियल एक्सपीरियंस है हम बताते हैं। तो भैया यही कंक्लूजन है कि आप आ सकते हो एज ए मैनुअल टेस्टर, बट ग्रोथ नहीं है भैया, बता दे रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी भी मार्केट में बहुत कम है, देखिए 2022 है, सब कुछ आप एडवांस सोचते हो, तो और भी कंपनी भी एडवांस सोचेगा ना कि क्यों, मतलब 5-10 और 50 मैनुअल टेस्टर रखेगा, जो चीज़ बहुत, हाँ जानते हैं कि बहुत सारे चीज़ ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उस पार्ट को हम मैनुअली टेस्ट करते हैं, बट जो चीज़ ऑटोमेट होने वाला है उसमें क्यों मैनुअली, मतलब क्यों मैनुअल इंटरवेंशन रखना है। तो वही है, ठीक है, बस यही कहना था आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एक और बात है कि भैया हम वीडियो, हम एडिट ये सब नहीं करते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, जो भी मेरा वीडियो रहता है रॉ रहता है। और पहली बात ये है कि मैं आपको आपके नॉलेज के लिए, और जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं उनको एक सही नॉलेज मिले, ग्राउंड लेवल नॉलेज मिले, रियल टाइम एक्सपीरियंस जो हम फेस किए हुए हैं, कर रहे हैं, उस चीज़ का नॉलेज लोगों तक हो। कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए कि मतलब कहीं से ऐसा प्रोसेस है तो ऐसा ही है, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, या मैं किसी और बंदे से, जैसे मेरे को डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता है, मैंने एक वीडियो बनाया था तो मैं लिया, मैं बंदे से बात करता हूँ, एक बंदे से नहीं, 10-10, 15-15 बंदे से, तो मुझे लगता है कि हाँ हाँ ये सब चीज़ चाहिए एक फ्रेशर को, या एक एक्सपीरियंस को करियर स्टार्ट करने के लिए फ्रॉम दी स्क्रैच, देन मैं वीडियो बनाता हूँ। और मेरा वीडियो में व्यू, लाइक, सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं तो मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ किसी को कि आप मेरा सब्सक्राइब करो ज़बरदस्ती। मैं आज वीडियो अपलोड किया और पूरे व्हाट्सएप जितने कॉन्टेक्ट है सब में भेज दिया लिंक, नो बाबा ना, जिसको ज़रूरत लगेगा वो देखेगा, क्योंकि हम वीडियो हवा हवाई में नहीं बनाते हैं, रियल टाइम एक्सपीरियंस पे बनाते हैं, चीज़ों को एनालाइज करके बनाते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से बनाते हैं। तो भैया मार्केट में मैनुअल का अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, आपको मैनुअल
का भी रिक्वायरमेंट रहेगा, लेकिन आपसे ऑटोमेशन क्वेश्चन पूछेगा, एसक्यूएल पूछेगा, क्योंकि बाद में उसको उसका रिक्वायरमेंट अगर ऑटोमेशन का हो जाएगा तो आप कर पाओगे कि नहीं। तो ऐसा होता है, बहुत लोग बोलते हैं अरे यार मैं उस कंपनी में गया, उसने ऑटोमेशन का क्वेश्चन पूछा, मेरा काम मैनुअल दे दिया। अरे यार वो अपना कोई भी कंपनी आगे का भी देख के लेता है कि बाद में अगर ऑटोमेशन रिक्वायरमेंट होगा तो ये बंदा जो हम ले रहे हैं वो कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो पैसा भी तो आपको उतने ही देती है ना, काम करवाता है मैनुअल का, फिर भी तो आपको ऑटोमेशन का पैसा देता है ना। तो यही है, और जितना कुछ आप सीखोगे टेक्निकल कोडिंग पार्ट, प्रोग्रामिंग स्किल्स, नया नया टूल्स, उतना ज़्यादा आपके करियर को करियर के लिए अच्छा होगा। और हाँ, एक और चीज़ बहुत लोग पूछते थे कि डेवलपर से सैलरी में क्या, टेस्टर का सैलरी। भैया मेरे को तो कोई अंतर नहीं लगता है, मेरे को कोई डिफरेंस नहीं फील हुआ है फ्रॉम फर्स्ट कंपनी, सेकेंड कंपनी, थर्ड कंपनी, फोर्थ कंपनी। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसका, उस लेवल के QA का सैलरी और डेव का सैलरी मेरे को ऑलमोस्ट सेम लगा। तो पता नहीं ये मिथ है कि क्या, आई डोंट नो मच, बट क्योंकि मैं ना उतना मेरा हाई लेवल टाइप का मैं काम करता हूँ, और नहीं मेरा बहुत एक्सट्रीम लेवल का मेरा कोई टेक्निकल चीज़ पे मैं काम करता हूँ, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ नहीं पता है। होता होगा किसी को मिलता होगा 1 साल में 50 लाख का पैकेज, है बहुत सारे लोग, तो मैं वो उतना हाई लेवल बंदा भी नहीं हूँ, और मैं हूँ ठीक ठाक, ठीक ठाक चल रहा है, ऐसे ही है। और वही चीज़ जो लोग ठीक ठाक करना चाहते हैं उनको उनको हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं। और भैया हम अपना वीडियो कभी एडिट विडिट नहीं करेंगे, ठीक है, थैंक यू।